टॉप 5 अमेजिंग एनिमेस जिन लोगों को देखने के लिए तुम लोग गाइस कितने एक्साइटेड थे। तुम लोगों को याद करना होगा 2015 से पहले के टाइम में जब बहुत से एनिमेस डिज्नी इंडिया और बहुत से चैनल्स ने एयर किए थे, बहुत कमाल के थे। आज मैं टॉप 5 ऐसे एनिमेस के बारे में बात करूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो हाँ, बहुत से एनिमेस तुम लोगों को शायद पता नहीं होंगे लेकिन जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि मैं हूँ ना बताने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एनिमे नंबर 5 पे गाइस डिजर्व हमारा करता है वो काफ़ी स्पेशल एनिमे है जिसका नाम है डायनासोर किंग। डायनासोर किंग एक कमाल के एनिमे है जहाँ पे हमें डायनासोर के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, किस तरह से तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह से उसे कार्ड में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और एक पेट डॉग में भी। ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर तुमने इसे देखा है तो मुझे कमेंट में बताओ कि मैंने सारे के सारे एनिमे इस लिस्ट में देखे रखे हुए हैं और ये एनिमे अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है हिंदी डब में, इसके 2 सीजन है। तो एनिमे नंबर 5। तो नंबर 4 पर जो एनिमे आता है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, इसका नाम है टोवट। जिन लोगों को रोबोट पसंद है ये उल्ला एनिमे बिल्कुल उनके लिए है, जहाँ पे हमें कार्स के तरह से रोबोट में और वापस कार में ट्रांसफॉर्म होते हैं उसे कोई दिखाया गया है, जहाँ पे हमें 2 मेन कैरेक्टर्स रायन एंड कोरी को दिखाया गया है। तुम लोग सोच रहे हो अगर मैंने इमेजेस क्यों नहीं दिखा रहा हूँ तो कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैं तुम लोग को इमेज नहीं दिखा रहा हूँ। और हाँ, इस एनिमे के बारे में खास बात ये है कि एनिमे अभी तो बहुत कमाल का एनिमे है और इसके हिंदी डब में भी बहुत कम एपिसोड्स हैं, लेकिन हाँ हिंदी डब में एपिसोड्स यूट्यूब पे है और तुम लोग चाहो तो इंग्लिश डब में देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें जो 2 मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं इसका नाम है रायन एंड कोरी और ये एनिमे भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, तुम लोग इसे देख सकते हो। जो 3rd नंबर पे आता है उसका नाम है इड्डा टेंजम। तुम में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा रहे होगा और ये हिंदी डब में भी पूरी तरह से सीजन 1 अवेलेबल है। सीजन 1 में ही हमें बहुत कुछ दिखाया गया था। इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है शो यामाटो जिसके पास एक बाइक है जिसका नाम है फ्लेम काइजर जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का बाइक है और ये एक लेजेंडरी लेवल का बाइक है तुम लोग बोल सकते हो। और इस एनिमे के बारे में क्या ही बताऊँ, तुम लोगों ने देखा ही होगा। तुम अगर एनिमे देख मतलब तुम एक फ़ैन भी हो ना तो तुम लोग को पता होगा कि बहुत कमाल का एनिमे ये है और क्या ही बताऊँ इसके बारे में। तो ये था नंबर 3। तो नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 योकाई वाच। तो योकाई का मतलब है जापानी से, योकाई का मतलब है हमारा भूत। तो ये भूतिया घड़ी का मतलब मैं तुम लोग को समझा देता हूँ कि योकाई वाच में हम लोगों को कोई डेथ नोट्स वाला सीन नहीं देखने को मिलता है। योकाई वाच एक किड्स फ्रेंडली एनिमे है जहाँ पर हमें किस तरह से भूत को एक लड़का जिसका नाम कीटा है वो कंट्रोल करता है ये हमें दिखाया जाता है। और योकाई वाच के ऊपर मूवी भी है जो कि हिंदी में डब्ड है और काफ़ी कमाल का मूवी है। और योकाई वाच भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का सीरीज है, तुम लोग ज़रूर इसे देखना। मैं तुम लोग को डेफिनेटली प्रेफर करूँगा इसे देखने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एनिमे की ओर। हाँ, तो फर्स्ट एनिमे जो है उसका नाम है बीटामोन। बीटामोन एक कमाल का गेम है जहाँ पर ये गेम है जहाँ पर हमें मार्बल से जो बीटामोन्स है होते हैं उन्हें देखो। इसका इमेज में तो मैं उन लोगों को नहीं दिखा सकता लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये एनिमे कमाल धमाल बेमिसाल है। यहाँ पे इसके टोटल 2 सीजन है जहाँ पे मेन कैरेक्टर रिकी योगासाकी एंड ड्रेसियन थंडर ड्रेसियन जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का ब्लू ड्रैगन है, जहाँ पे हमें बहुत कमाल की चीज़ें दिखने को मिलती है जो कि तुम लोगों को नेटली देखना चाहिए। और ऐसे एनिमे को जरूर से देखना, काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, जहाँ पे सीजन 2 भी इसका है तुम लोग देख सकते हो इंग्लिश डब में, हिंदी डब नहीं है, इंग्लिश डब में देखना। और ये हंगामा टीवी के द्वारा एयर किया गया था और काफ़ी सारे कमाल के एनिमे। उम्मीद है तुम लोग की वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो 50 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, बहुत दिन से इंतजार है। उम्मीद है तुम लोग 50 सब्सक्राइबर्स भी करवा दोगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो कल ग्रीनिंजा के ऊपर मतलब परसों ग्रीनिंजा के ऊपर एक वीडियो आएगा तो रेडी रहना। तो यार तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करके लाइक कर देना।